रेल यात्रियों को अब सीतापुर जंक्शन प्लेटफार्म पर कोच की तलाश में इधर उधर भटकना नहीं पड़ेगा। प्लेटफार्म पर उन्हें तय स्थानों पर ट्रेनों के कोच खड़े मिलेंगे। ये सहूलियत देने को प्लेटफार्म पर अत्याधुनिक कोच गाइडेंस डिस्प्ले बोर्ड लगा दिए गए हैं। पहले चरण में यहाँ के प्लेटफार्म 1 और 3 पर डिस्प्ले बोर्ड लगाए गए हैं। इससे यात्रियों को पता चल जाएगा कि ट्रेनों में कौन सा कोच कहाँ पर ठहराव करेगा, ऐसे में वो आसानी से कोच पा सकेंगे। आपको बता दें कि सीतापुर में पूर्वोत्तर और उत्तर रेलवे के 2 ट्रैक हैं। इनमें पूर्वोत्तर रेलवे का बुढ़वल वाया सीतापुर जंक्शन व ऐसबाग सीतापुर मैलानी लखीमपुर तथा महोली और रौजा, इसी प्रकार सीतापुर सिटी वाया नैमिसारण बालामऊ शामिल हैं। उत्तर रेलवे का ट्रैक बरसों पहले ब्रॉडगेज में तब्दील हो चुका है, लेकिन पूर्वोत्तर रेलवे ऐसबाग वाया सीतापुर लखीमपुर बरेली व पीलीभीत के ट्रैक को मीटर गेज से ब्रॉडगेज में तब्दील करने का कार्य वर्ष 2016 में शुरू हुआ था। वर्ष 2019 में पूर्वोत्तर रेलवे का ऐसबाग वाया सीतापुर लखीमपुर मीटर गेज ट्रैक को ब्रॉडगेज में तब्दील किया जा चुका है, लेकिन कोरोना काल के चलते फिलहाल इस रूट पर ट्रेनें फर्राता नहीं भर पा रही हैं। हालांकि इस रूट पर पैसेंजर ट्रेनों को छोड़कर 2 जोड़ी एक्सप्रेस ट्रेनें जरूर चलाई जा रही हैं। आमान परिवर्तन के बाद सीतापुर जंक्शन रेलवे स्टेशन प्लेटफार्म पर कोच गाइडेंस डिस्प्ले बोर्ड की सुविधा नहीं है, जिस कारण यात्रियों को यह पता नहीं चल पाता था कि प्लेटफार्म पर कौन सा कोच कहां रुकेगा। इससे यात्रियों को दिक्कतें उठानी पड़ रही थी। उनकी समस्याओं को देखते हुए रेलवे ने सीतापुर जंक्शन प्लेटफार्म पर अत्याधुनिक कोच गाइडेंस डिस्प्ले बोर्ड लगाने का फैसला लिया। सीतापुर जंक्शन के अधीक्षक AK शुक्ला बताते हैं कि बजट अवमुक्त होने के बाद पहले चरण में सीतापुर जंक्शन के प्लेटफार्म 1 और 3 पर कोच गाइडेंस डिस्प्ले लगा दिए गए हैं। इनके लगने के बाद अब यात्रियों को कोच तलाशने में दिक्कतें नहीं उठानी पड़ेगी। खबर आपकी, नजर हमारी, देखते रहिए आई इंडिया।